नमस्कार, स्वागत है आपका स्टेट न्यूज 18 में और मैं हूँ आपके साथ अमनदीप। आइए नजर डालते हैं देश और प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों की ओर। एसएसएस जैन कॉलेज के छात्र संघ कार्यालय पर स्वामी विवेकानंद जी के चित्र पर पुताई करवाने पर सोमवार को अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता नाराज हो गए। कार्यकर्ताओं ने कॉलेज पहुंचकर प्राचार्य डॉक्टर शोभा जैन के ऑफिस और प्रशासनिक भवन और मुख्य गेट पर ताला जड़ दिया। तालाबंदी के बाद नाराज कार्यकर्ताओं ने कॉलेज के अंदर ब्रिज रोड स्थित मुख्य गेट पर प्रदर्शन करने लगे। पुलिस प्रशासन के पहुंचने के बाद प्रदर्शनकारियों को समझाया गया। कॉलेज प्रबंधन ने पेंटर को बुलाकर स्वामी जी के चित्र बनवाने का आश्वासन दिया और समझाइश के बाद मामला शांत हुआ। करीब 3 घंटे प्रदर्शन चलता रहा। प्रदर्शन के दौरान प्राचार्य को हटाने पर अड़े कार्यकर्ता। प्रदर्शन में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के समस्त पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। जब तक छात्र शक्ति नहीं हटेगी, जब तक यहाँ पे जो स्वामी विवेकानंद जी के उद्देश्य थे और उनका चित्र जो अंकित था, तब तक वो लगना जाए। और इसके लिए अगर जल्द से जल्द कार्रवाई कोई नहीं की गई तो हम लोग यहाँ पे आके उग्र आंदोलन। आज क्या क्या कराया था आप लोगों ने? आज हमने हमारे ये जैन महाविद्यालय में तालाबंदी की है और प्रशासन को हमने अभी बताया कि अभी अंकित करे तुरंत चित्र को, अगर नहीं किया गया तो हम आगे कार्रवाई। इस्तीफे की मांग भी कर रहे हैं किसी की आप? इस्तीफा भी? जी, इस्तीफा दे शोभा जैन जी है यहाँ की प्राचार्य महोदय, उनका इस्तीफा देने की हम मांग कर रहे हैं। विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं के द्वारा जैन कॉलेज में तालाबंदी की गई है, क्योंकि विगत 4 से 5 दिन पहले कॉलेज प्रशासन के द्वारा स्वामी विवेकानंद जी के चित्र को और उनके उपदेश को मिटा दिया गया था, जिसके लिए हमने कलेक्ट्रेट में कलेक्टर साहब के नाम ज्ञापन दिया था, प्राचार्य महोदय के नाम पर भी ज्ञापन दिया था, लेकिन फिर भी अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। ना तो स्वामी विवेकानंद जी का चित्र लगाए, ना उनके उपदेश वहाँ पर लिखे गए, जिसके कारण आज छात्र शक्ति में आक्रोश है और छात्र शक्ति यहाँ पर खड़ी हुई है। आज जैन कॉलेज में तालाबंदी कर दी गई है और जब तक स्वामी विवेकानंद जी का चित्र और उनके उपदेश वहाँ पर नहीं आकर अंकित किए जाते, तब तक ये छात्र संघ यहीं पर रहेगी। विदिशा से ब्यूरो रिपोर्ट।